कैनी मिनाटी कौन है? मैं तो भाई द रॉक को जानता हूँ रोस्टिंग के मामले में। हेलो गाइस, माय नेम इज उदेश, स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग में। तो द रॉक ने भाई रोस्ट कर दिया एकदम कॉडी रोड्स को। वर्ड तो भाई पूछना ही मत, बोलने लायक ही नहीं है। जी उसे ने एक्सेप्ट कर लिया जी का चैलेंज। तो क्या क्या वो शो में सब चीज के बारे में बात करेंगे, दिस इज स्मैकडाउन रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग द रॉक करते हैं। एंट्रेंस भाई उनका वही 5 स्टार वाला एंट्रेंस होता है। फैंस भाई काफी ज्यादा उनको चीयर करते हैं। द रॉक भी बोलते हैं मैंने इस सिटी में भाई फर्स्ट अपना मैच लड़ा था। द रॉक भाई फिर अपना कैच फ्रेज बोलते हैं फाइनली द रॉक कम बैक टू होम। क्राउड इस पर काफी ज्यादा चीयर करता है। तो एकदम लग रहा था कि ये रॉक भाई हील वाला नहीं है, ये तो भाई बेबी फेस वाला आ गया है। द रॉक फिर बोलते हैं वो आज अपना गाना गाने वाले हैं और ये सॉन्ग कॉडी रोड्स और भाई उनके क्लाउन फ्रेंड सेट रॉलिंस के लिए होगा। द रॉक यहाँ फिर सॉन्ग जो गाते हैं ना वो भाई मैं आपको बता भी नहीं सकता इतने डिटेल में कि भाई किस लेवल का रॉक ने भाई इसमें वर्ड्स यूज किया है। एकदम भाई ये पारिवारिक वाला सेगमेंट नहीं था। द रॉक बताते हैं कि कैसे भाई कॉडी रोड्स बॉर्न हुआ है। फिर वो सेट रॉलिंस को भी बोलते हैं इसकी वाइफ भाई इससे ज्यादा पॉपुलर है। कॉडी क्राइज बेबीज का भाई बेइज्जती करते हैं कि ये सब भाई मेरे ऐस को भाई किस करेंगे। इस पर भी भाई क्राउड भाई चांस कर रहा था। द रॉक बोलते हैं लास्ट वीक कॉडी तुमने भाई मुझे थप्पड़ मारा था जिसके आवाज भाई पूरे वर्ल्ड में सुनाई दिया, मैंने भाई बट उसको फील किया। सब सोच रहे हैं कॉडी भाई क्या इसका रिस्पांस करेगा और उसने भाई रॉ में रोना स्टार्ट कर दिया कि मैंने भाई ये टाइटल अपने फादर को नहीं दिया तो मैं भाई अपनी मम्मी को देना चाहता हूँ। तो मैं उसकी मदर से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई कॉडी रोड्स ने जो किया उसका पे अप कॉडी रोड्स की फैमिली को करना होगा। रेसलमेनिया के नाइट 1 में हम भाई कॉडी रोड्स से ट्रॉलिंग कराएंगे और नाइट 2 में द ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा। कॉडी रोड्स भाई अपना स्टोरी तो फिनिश नहीं कर पाएगा लेकिन मदर ऑफ कॉडी रोड्स तुमको भाई मैं एक बेल्ट दूंगा। फिर द रॉक यहाँ भाई बेल्ट दिखाते हैं, बोलते हैं मैं भाई इससे नाइट 2 पे भाई इसको इतना मारूंगा ना कि भाई इस पे पूरा कॉडी रोड्स का ब्लड लग जाएगा और ये बेल्ट मैं फिर जाके दे दूंगा उसकी मदर को। फिर द रॉक बोलते हैं इफ यू स्मेल व्हाट द फाइनल बॉस इज कुकिंग और ये सेगमेंट यहाँ पर भाई ओवर हो जाता है। द रॉक ने भाई पूरा रोस्टिंग वार्निंग सब दे दिया कॉडी रोड्स को। नेक्स्ट रेसलमेनिया 40 में एक फेटल 6-वे मैच होने वाला है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो इसीलिए क्वालिफायर मैच होता है LWO वर्सेस एंजल एंड हम्बर्टो। LWO भाई काफी क्लोज थे इस मैच को जीतने के लिए बट एंडिंग में वाइल्ड को हम्बर्टो ऐसा भाई हवा में फेंकते हैं और उस पर भाई एंजल किक लगाते हैं और फिर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट एले नाइट आते हैं और बोलते हैं मैं जिस स्टाइल को कब से कॉल आउट कर रहा हूं बट भाई वो शो पे नहीं आ रहा है। तो ठीक है भाई तुम स्मैकडाउन में मत आओ बट भाई तुमको रेसलमेनिया में आना होगा, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ 1-on-1 मैच के लिए एट रेसलमेनिया। तभी पीछे से आके AJ स्टाइल अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर और बोलते हैं मैं भाई एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारा चैलेंज। नेक्स्ट बैकस्टेज पॉल हेमन जिमी उसे सोलो सिको सब भाई आते रहते हैं। सडन भाई केला बैकस्टेंड माइक लेके पॉल हेमन से भाई क्वेश्चन पूछने आ जाती है कि भाई आप क्या रिस्पॉन्स करोगे जी उसे के चैलेंज के लिए रेसलमेनिया वाला। वो भाई सडन आ गई थी इसलिए इसमें पॉल हेमन भाई एकदम डर जाते हैं, वो भाई चिल्ला देते हैं। जिमी उसे एकदम भाई गुस्से में कैमरा के सामने आते हैं और बोलते हैं जी उसे तुम राइट हैंड हो लेकिन उसके पहले भाई तुम मेरे लिटिल ब्रदर हो, मैंने भाई तुमको पाल पोस के बड़ा किया है। लास्ट ईयर रेसलमेनिया में हम साथ में लड़ते हैं, इस साल जिमी उसे वर्सेस जे उसे होगा और भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं तुम्हारा चैलेंज यूज। ये बोलकर वो यहां से चल जाते हैं। तो भाई ये भी ब्लॉकबस्टर वाला मैच भाई ऑफिशियल हो गया आज। नेक्स्ट रैंडी ऑर्टन वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच होता है। मैच जैसे स्टार्ट हुआ तभी लॉगिन पॉल आ जाते हैं, इससे भाई डिस्ट्रैक्ट हुए रैंडी ऑर्टन तो वॉलर भाई अटैक करने लगते हैं उनके ऊपर बट ज्यादा देर नहीं रैंडी ऑर्टन फिर पावर स्लैम लगा देते हैं। कंटिन्यू भाई कमेंट्री टेबल पर स्लैम्स लगाते हैं उनके ऊपर फेंकते हैं, ग्रेसन वॉलर को विंटेज डीडी लगाते हैं। ऑस्टिन दुनिया डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं उनको बट उन पर ही भाई विंटेज डीडी लगाते हैं। एंडिंग में वॉलर को भाई एक पिक्चर परफेक्ट आरकेओ लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। बट तुरंत ही भाई ऑस्टिन थ्योरी अटैक कर देते हैं उनके ऊपर और उनको भाई पकड़ लेते हैं ताकि लॉगिन पॉल भाई ब्रास नेगल से अटैक कर पाए रैंडी ऑर्टन के ऊपर। लेकिन कैनवास का भाई थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो आ जाते हैं सेव करने उसको। ऑस्टिन थ्योरी सबको मारते हैं, रैंडी ऑर्टन को इस टाइम पे लगा कि पीछे भाई लॉगिन पॉल है इसलिए भाई वो आरकेओ लगाने वाले होते हैं गलती से कैनवास को लेकिन भाई वो रुक जाते हैं। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी को कैनवास भाई पास करते हैं रैंडी ऑर्टन को और उस पर भाई वो आरकेओ लगा देते हैं। लॉगिन पॉल भाई भागते हुए एंट्रेंस एरिया पर जाते रहते हैं तभी भाई निक एल्डर्स आ जाते हैं और बोलते हैं लॉगिन पॉल तुम फेस करोगे केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन को इन अ ट्रिपल ट्रीट मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। इसको सुनकर फैंस भाई एकदम चीयर करने लगते हैं, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन भाई हैंडशेक करते हैं लेकिन लॉगिन पॉल की तो भाई हवाएं उड़ गई थी। नेक्स्ट ड्रैगन ली वर्सेस सैंटोस कोबार का मैच होता है। ड्रैगन ली भाई वही फ्लाइंग मूव सुपर वाला पावर बम लगाते हैं बट हम्बर्टो और गाजा भाई डिस्ट्रैक्ट करते हैं जिसके बाद सैंटोस अपना फिनिशर लगाकर ड्रैगन ली को हरा देते हैं। आफ्टर मैच ये सब भाई मिलकर कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं उनके ऊपर। पहले भाई कर्लिटो आते हैं सेव करने उनको बट उनसे कुछ होता नहीं है। देन फिर रे मिस्ट्री उड़ाते हैं, वो अटैक कर देते हैं सैंटोस कोबार के ऊपर। 619 भी
माने जाते हैं, बट हम्बर्टो गार्जा सब भाई खींच लेते हैं सैंटो एस्कोबार को। रेमी स्टूडियो बोलते हैं, तुम भाई मुझसे कब तक भागते रहोगे, मैं भाई तुमको नेक्स्ट वीक चैलेंज करता हूँ एक वन ऑन वन मैच के लिए। नेक्स्ट पीटी डेडली वर्सेस न्यू कैच रिपब्लिक का मैच होता है, टैग टीम क्वालिफायर ये भी मैच था। पीट डन और टाइलर दोनों भाई बर्निंग हैमर लगाते हैं इस मैच में और इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट इज टाइम फॉर द मेन इवेंट, डेकोटा काई वर्सेस बेली का मैच होता है। बेली एकदम भाई गुस्से में अटैक करना स्टार्ट कर देती है इयो स्काई के ऊपर, बट रिंग साइड से भाई कंटिन्यू डिस्ट्रैक्ट कर रही थी पूरी डैमेज कंट्रोल उनको। डेकोटा काई भी मारती है, किक्स लगाती है, एक स्पॉट पर बेली भाई एल्बो ड्रॉप लगाती है, पावर बम लगाती है, भाई एकदम मैच वो जीतने वाली थी। बट तभी भाई रिंग में इयो स्काई आसपास सब आ जाती है और अटैक कर देती है बेली के ऊपर, इसलिए मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। कंटिन्यू ये सब मारती है, तब यहाँ थीम सॉन्ग प्ले होता है नियोमी का, वो भाई सेव करने आती है बेली को, बट उल्टा भाई उन्हीं पे अटैक हो जाता है। डैमेज कंट्रोल फिर भाई बेली पर कॉम्बो किक्स लगाती है, ये उसका भाई मूनशॉट लगाती है। बेली भाई एकदम डाउन थी, डैमेज कंट्रोल यहाँ पूरी स्टैंड टॉल करती है और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल भाई काफी ठीक शो था। रॉक का भाई जो कॉन्सर्ट था वो काफी ज्यादा मस्त लगा। नेक्स्ट वीक रोमन रेंस कॉडी रोड्स का भाई फेस ऑफ भी होने वाला है, तो वो चीज देखना भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो आज का वीडियो यही तक था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ऐसी अमेजिंग WWE वीडियोस के लिए भाई सब्सक्राइब भी कर लो। कमेंट्स बताओ यार पूरा शो आपको कैसा लगा। द रॉक भाई सेगमेंट तो आप पर्सनली जाके जरूर देखना, क्योंकि मैं उसमें काफी सारी चीज बोल ही नहीं पाया क्योंकि उसमें वर्ड ही ऐसा था। सो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड बाय।